तो जमदग्नि ऋषि को लोमस मुनि कहने लगे कि देवदत्त नाम के ब्राह्मण को पुत्र नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? तो उसने सोचा कि दशरथ राजा को भी पुत्र नहीं हुआ तो वो यज्ञ करवाए, और यज्ञ पुरुष के प्रकट होने से उन्होंने खीर दिया, उस खीर को पीने से कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को पुत्र हुआ, मैं भी यज्ञ कराऊं। इसलिए पंडितों को इकट्ठा करके यज्ञ करवाने लगे। उसमें एक पंडित जो मंत्र बोल रहे थे वो बूढ़े होने के कारण मंत्र को बराबर नहीं बोल पा रहे थे। तुरंत देवदत्त नाराज होकर पंडित जी को डांटने लगा कि आप मंत्र बराबर नहीं बोलोगे तो मेरा यज्ञ कैसे सफल होगा, आप मंत्र बराबर बोला करिए। सुन के बूढ़े पंडित गुस्से में आ गए कि अरे मैं बूढ़ा हूं, मैं अब बोल नहीं पा रहा हूं, ये समझ भी नहीं रहा, मुझे डांट रहा, जा तुझे जो पुत्र होगा तो मूर्ख रहेगा, अज्ञानी होगा, तेरा पुत्र बेकार हो जाएगा। पंडित जी ने श्राप दे दिया। सुनते ही देवदत्त को मन में आया कि मेरा पुत्र अगर पुत्र नहीं है इसलिए तो यज्ञ करवा रहा हूं, एक अज्ञानी पुत्र जन्मे तो क्या ने नहीं जन्मे तो क्या, मूर्ख जन्मे तो क्या ने नहीं जन्मे तो क्या, ये क्या श्राप दिया। हाथ जोड़ के देवदत्त पंडित जी को रिझाने लगा कि पंडित जी गलत मत सोचिए, मेरा यज्ञ असफल ना हो जाए इसलिए आपको बोला, आप गुस्से में क्यों आए, मुझे श्राप क्यों दिया। पंडित जी फिर शांत हुए, बोले कि भाई सज्जनों का गुस्सा एक क्षण का होता है। कैसे होता है? एक क्षण। अब गुस्सा कर लिया जिंदगी भर वैर रखता है तो समझना के नालायक है, गुस्सा खूब कर रहा है लेकिन उतनी दया करता है समझना सज्जन है। तो गुस्से को देखकर पंडित जी का बेटा, बाद में तेरा बेटा बहुत ज्ञानी बनेगा, गुणी बनेगा, मेरा आशीर्वाद। देवदत्त प्रसन्न हो गया। यज्ञ पूरा हुआ, दसवें महीने यज्ञ प्रताप से पुत्र भी हुआ। अब पुत्र बड़ा हुआ, 2-5 का हिसाब ही मालूम नहीं पड़े, पंडित जी का श्राप काम कर रहा है, मूर्ख की तरह काम करता है, मूर्ख की तरह बातें करता है, बाप डांटता है, अरे मूर्ख तेरे को घर में रखूं, हम तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण में तो अविद्यावान को दान तक नहीं देना शास्त्र बोलता है, तू अविद्यावान को मैं रख के क्या करूंगा, रोटी डालना भी तेरे लिए पाप है। ये सब सुन के नाराज हुआ पुत्र, गंगा तीर पर जाके अकेला वास करने लगा, छोटा बच्चा बिल्कुल बोलने नहीं जानता, गूंगे की तरह रहता, कोई पूछे तो जवाब नहीं दे, कुछ ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, गूंगे की तरह पड़ा है, ऐसे ही पड़ा है। लेकिन एक उसके पास बहुत बड़ा शुभ आदत, बोल नहीं पाता, इशारा करें तो भी कभी झूठ नहीं बोले, इसका नाम उदत्य था। क्या नाम? उदत्य। लेकिन ये झूठ नहीं बोलने से वहां के निवासी इसको सत्य तप बुलाने लगे, सत्य का तप करने वाला, सत्य। इस बच्चे को पूछो कभी झूठ नहीं बोलेगा, कुछ भी पूछना तो इसको पूछो, भले ही मूर्ख था अज्ञानी था लेकिन लोगों में आदर बढ़ गया। कई पैसे वालों के पीठ पीछे लोग थूकते हैं आप देखे हो तो, इसका कारण है कि वो कई प्रकार के धोखेबाजी का काम करता है, भले ही पैसा हो, सम्मान तो होगा जब आप में संस्कार होगा। ये बच्चे का नाम सत्य तप हुआ। क्या नाम हुआ? सत्य तप। सत्य तप बोल नहीं पाता, सत्य का पालन पूरा करता है, ऐसे सोचता है कि मैं यहाँ पढ़ाऊँ अकेले, मेरे माँ बाप ने भी दुत्कार दिया, मेरा क्या होगा, दुखी हो रहा है। एक दिन एक शिकारी किसी सुअर को तीर मार दिया, अभी शिकारी उस सुअर को ढूंढ के आ रहा है, सुअर के शरीर में तीर बहुत अंदर छुप गया, खून बह रहा है। सुअर घबराते हुए इस सत्य तप के पास, एक छोटा सा झाड़ी था उसमें घुस गया। शिकारी ने देखा कि खून की छांटे गिरी है, यहीं सुवर गिया। अब सत्य तप को आग के शिकारी पूछता है कि यहाँ सुवर आया क्या? अब सत्य तप सोचता है कि मैं इशारा करूं कि नहीं आया तो झूठ हो जाएगा, झूठ तो मैं बोलता नहीं हूं, सच बोलूं तो सुवर मर जाएगा, सच बोलूं तो सुवर की हिंसा होगी, झूठ बोलूं तो मेरे सिद्धांत की विरुद्ध हो जाएगा, क्या करूं। बड़ा दुखी होकर के झाड़ी की तरफ, ये सुवर भाग जाए, सुवर अगर भाग जाए तो मुझे झूठ ही नहीं बोलना पड़ेगा, इसलिए झाड़ी के पास खड़े होके, बोल तो नहीं सकता, बोलता नहीं, मूर्ख है, तो हुँ, 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 ऐसे भगाने लगा। भगवती का बीज मंत्र है रीम। क्या है? रीम। एक अक्षर का भगवती का बीज मंत्र है रीम, रीम। तो ये हुरु हुरु ऐसे किया
देवलोक में भगवती देख रही है कि मेरे मंत्र के अक्षर का एक बार उच्चारण करने वाला या उस मंत्र के अक्षर का एक अंश का रीम भी उसने नहीं बोला, वो तो गूंगा है, वो तो हुरु हुरु सुवर बगा रहा है, मंत्र थोड़ी बोल रहा है, क्या कर रहा है वो? सुवर बगा, वो सुवर बगाने के लिए हुरु हुरु किया। तो देवी ने सोचा कि शास्त्र में लिखा है कि मेरे बीज मंत्र के एक अक्षर के एक अंश को भी एक बार कोई बोले तो उस पर मैं प्रसन्न होती हूं, और फिर मैं इस सामने नहीं जाऊंगी तो फिर शास्त्र मिथ्या हो जाएंगे। भगवती सत्य तप के सामने प्रकट हो गई। प्रकट होके कहती है कि आज से तू परम विद्वान होगा, परम ज्ञानी, परम गुणी होगा, परम शक्तिशाली होगा, मेरा आशीर्वाद। एक क्षण में सत्य तप में ज्ञान विवेक विद्वता आ गई। अब शिकारी पूछता है कि जल्दी बोल सुवर है कि नहीं, पूछ रहा हूं क्या देख रहा है। उसको मालूम नहीं कि इतने में वो जगदम्बा की सिद्धि पा चुका है। अब सत्य तब विवेकी हो गया, इसलिए बोलता है कि जो देखता है वो बोल नहीं सकता, न जो बोलता है वो देख नहीं सकता। यानी आंख देखता है वो बोल सकता है क्या, मुंह बोल सकता है वो देख सकता है क्या? इसलिए सत्य तब शिकारी को बोलता है, जो देखता है वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो देख नहीं सकता, इसलिए मैं नहीं बोल सकता था। आपको इसलिए बता रहा हूं, देवी भागवत में ये कथा वर्णित है कि उसके नाम का नहीं, उसके बीजाक्षर का एक अक्षर नहीं, उसके एक अंश को भी उच्चारित करोगे तो भगवती माँ प्रसन्न हो जाएगी। भगवान अत्यंत प्रसन्न, देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ के चरण में रहिए, उसके चरण में ही आपका उद्धार है।